सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बच्चा तो अवश्य बोलेगा, आप बेवजह ही बेटा ज्यादा चिंता कर रहे हैं, थोड़ा केतु का दोष है। एक तो बेटा इस बच्चे के हाथ से रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना बेटा शुरू कर दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। और थोड़ी कुशा कहीं से बेटा प्राप्त कर लो। सुबह जब बच्चे को आप दिन में स्नान करवाते हो तो पहले बेटा कुछ समय पहले कुशा बेटा थोड़ी तोड़कर जल में डाल दिया करो, और उस जल से उस बच्चे को स्नान करवाना है आपने। इसके अलावा आपने बेटा एक कौड़ी लेके आनी है बेटा पंसारी की दुकान से, पीले रंग की कौड़ी। कौड़ी में बेटा कई रंग होते हैं बेटा, हल्की सी ग्रे कलर की भी होती है, हरे रंग की भी होती है, वाइट भी होती है, हल्की पीले रंग में भी होती है। तो पीली कौड़ी लेकर आनी है बेटा, उसको किसी सुनार से उसके ऊपर चांदी की कैप और हुक लगवा लेना। उसको काले रंग के धागे में बच्चे को बुधवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर धारण करवा देना। 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल सफ़ेद कपड़े में बांधकर बच्चे के हाथ से किसी मंदिर में बेटा बुधवार के दिन दान करवा दीजिए। इसके अलावा बेटा आपने शनिवार के दिन थोड़ी घर में बेटा खीर बनानी है। उस खीर को किसी कटोरी में डाल के अपने घर में किसी ऐसी जगह रखें कि बेटा कोई पक्षी कौवे आए, कौवा बेटा उस खीर को खाए, और जब कौवा उसमें से कुछ खीर खा के चला जाए तो वो खीर बेटा आपने बच्चे को खिलानी है। इसके अलावा नाना परिवार से बेटा थोड़े बादाम मंगवा लीजिए, नाना मामा परिवार से। आप इस बच्चे को 2 बादाम बेटा पानी में रात को भिगो के रखो, सुबह छील कर इसको बेटा पीस कर इसको खिला दिया करो, ये उपाय करना है। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी केतु की शांति करें, जिससे अति शीघ्र ये बच्चा सुंदर वाणी का प्रभाव प्राप्त करेगा, अच्छी तरह बोलेगा और आपकी चिंता दूर होगी।